दोस्तों हमारा आज खाना बन रहा है। खाने में हमारा आज फिश करी बन रहा है। तो ये है तेलापिया माछ, मतलब बंगला में माछ बोलते हैं, तो तेलापिया माछ है। मसाला को बढ़िया से भूज लेंगे और इसमें अभी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मछली को डालेंगे। तो मसाला में आज दिए हैं हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट। 5:30 बज रहे हैं, तो 6 गाड़ी में 3 गाड़ी खाली हो गया। हमारा 3 गाड़ी नहीं खाली होगा, 2 गाड़ी इधर है और 1 गाड़ी हमारे पीछे है, बाकी 3 गाड़ी खाली हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कल हमारी गाड़ी खाली नहीं हुई और बहुत ठंड है भाई। तो ठंड में क्या हुआ कि पहली बार हम लोग फंसे हैं इधर बंगाल में, नहीं तो हम महाराष्ट्र में ही होते तो उधर ठंड नहीं लगता है, तो इस बार ठंड में फंस गया आगे। अब यहाँ इतना ना ठंड है, आज भी बादल है, पूरा ठंड है, देखिए ऊपर मौसम पूरा खराब हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, ठंड भी गिरना चाहिए, शरीर को ठंड भी बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए। मतलब शरद, गर्म और बरसात, ये सब बनाया गया है क्लाइमेट हमारे शरीर के लिए ही। तो चलते हैं, थोड़ा बाहर में चाय दुकान है चाय पीने के लिए। हम लोग चल रहे हैं अभी चाय दुकान में चाय पीने के लिए। और ठंड का तो बोलिए मत, इधर थोड़ा कल से कम है, कल उस ज़्यादा था लेकिन ठंड है। चलते हैं थोड़ा चाय पीते हैं। आ गए हम लोग चाय दुकान में, चाय हमारा अभी बन रहा है, चाय बन जाता है फिर पीते हैं। अब जाएंगे बाजार, राशन वासन लाना है, मतलब खाना बनाने के लिए। चाय आ गया हमारा, चाय पीते हैं हम लोग और चाय पीकर यहाँ से जाएंगे सामने, कल जो मार्केट में गए थे बाजार में, और वहाँ से कुछ लाते हैं, सब्जी वब्जी खाना बनाएंगे। देखते हैं आज गाड़ी खाली होता है क्या, कल तो एक दिन खड़ा हो गया, आज का क्या ये अभी पता चल जाएगा। 9-10 बजे तक बाबू लोग आएंगे तो आज भी पता चल जाएगा खाली होगा कि नहीं होगा, कल होगा। तब तक हम लोग खाना बनाने का हिसाब किताब बैठाते हैं, चलते हैं चाय पी के। आ गए गाड़ी के पास और चलते हैं हम गाड़ी में। छोटू गया थोड़ा बाजार, थोड़ा बड़ा सामान लेके आना था, तो चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं। आज बोला कि अभी बोला कि गाड़ी 12 के बजे के बाद खाली होगा, तो देखते हैं आज खाली हो जाएगा तो ठीक है, लोडिंग वोडिंग का बात करेंगे खाली होने के बाद। तो चलते हैं गाड़ी में, थोड़ा आराम करते हैं क्यों, ठंड लग रहा है बाहर, एकदम बैठने को मन नहीं कर रहा है, तो चलते हैं गाड़ी में ही बैठेंगे। तो हमारा आज खाना बन रहा है, खाने में हमारा आज फिश करी बन रहा है। तो ये है तेलापिया माछ, मतलब बंगला में माछ बोलते हैं, तो तेलापिया माछ है और उसका तरी बना रहे हैं और चावल बन गया है, तो आज बना रहे हैं फिश करी। आज थोड़ा ठंडा कम है, थोड़ा सा धूप निकला है, दिन के 11 बज रहे हैं। हमारा ये मसाला भुजा हो रहा है, मसाला को बढ़िया से भूज लेंगे और इसमें अभी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मछली को डालेंगे। तो मसाला में आज दिए हैं हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा गोलमरीच का पेस्ट था, मतलब पाउडर, और अदरक लहसुन, सरसों इसमें ज़रूरी है। मछली में आप जब तक सरसों नहीं डालेंगे तो उसका टेस्ट बढ़िया नहीं होगा, तो सरसों भी डाले हैं। उतना ही जितना क्वांटिटी में जीरा गोल की है उतना ही क्वांटिटी में सरसों है, तो वो कूट के डाले हैं। तो बनाते हैं आज फिश करी। तो ये जा रहे हैं चाय वाले को देने, वहाँ से हम लोग पानी लाए थे और इसको जाते हैं दे देने उनके दुकान में। 25 रुपये में मिलता है, मतलब वैसे तो 20 रुपये में बेचता है लेकिन जो स्टॉक रख के सेल कर रहा है तो 25 रुपये में दे रहा है। कोई बात नहीं, आज धूप भी निकला है, वाह कितना मस्त लग रहा है। कल धूप नहीं था एकदम भाई, इतना ठंडा था ना कि हम लोग गाड़ी से निकले नहीं, बस खाना बनाए गाड़ी में ही सो के 7:30 बज गया, फिर उठे तो हल्का बचा था खाना वाना खा के फिर चुपचाप सो गए। कल वीडियो भी उतना नहीं बनाए। तो चलते हैं ये देकर आते हैं चाय वाले को, थोड़ा चाय भी पी लेंगे, दिन के 11:30 हो रहे हैं। वो सामने रहा चाय दुकान, दोस्तों चाय ले लिया, अब चाय पीते पीते चलते हैं गाड़ी में। और ठंड है, ठंड में चाय पीते हैं तो और अच्छा, माने चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, और आज थोड़ा धूप भी निकला है तो अच्छा लग रहा है। इनका वो डब्बा का पैसा, मतलब पानी लेके गया था उसका पैसा देना था तो पैसा दे दिए, चाय भी एक पी लिए। अब चलते हैं, चलते चलते गाड़ी में, गाड़ी में हमारा खाना भी बन रहा है। हाँ चलते हैं, वहाँ धूप में थोड़ा खड़ा होते हैं, रोड पर गाड़ी भी आ रहा है, बहुत डर लगता है रोड पार करने में, बिजी रोड है, मोटरसाइकिल बहुत कुछ चलता है, स्पीड में ही चलता है सब। ये है डीपी कांटा, कल भी बताया था हमने आपको वीडियो में, आज थोड़ा धूप है तो देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है, चल रहे हैं। आओ भाई, ठंडा में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, बढ़िया है। नहा लिए क्या आप लोग? ये उस्ताद है, इनका भी गठान का गाड़ी है, तो सब लोग खड़े हैं हम लोग की, आज खाली होगा बोले हैं 12 बजे के बाद, तो बाकी गोडाउन खाली हो रहा है, गोडाउन से सब गाड़ी लोड हो रही है। वो देखिए गोडाउन खाली हो जाएगा तो फिर हमारा भी गाड़ी खाली होगा, सबको होगा। चलते हैं। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी घुमा के लगाना पड़ेगा, अभी
मुंह इधर है और घुमा के लगाएंगे तो क्या होगा कि दूसरा जो गाड़ी आएगा वो भी घुमा के इधर मुंह करके हमारे पीछे लगा देगा। तो इसी जगह पे गाड़ी को घुमा लेते हैं फिर लगाते हैं। चलिए गाड़ी स्टार्ट कर ले हैं, हवा बना रहे हैं, हवा बन जाएगा तो फिर गाड़ी घुमाते हैं। गाड़ी घुमा के लगा लिए, वो हमारा उसमें फिश डाला जा रहा है तरी में, तो एकदम मसाला बढ़िया बना है, सरसों का मसाला बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अब उसको डाल के एकदम उसमें फुटा देंगे, मैंने खोला देंगे, फिर हमारा हो गया फिश। गाड़ी घुमा के लगा दिए हैं, ये अब सब गाड़ी घूम गई, वो सब भी घूमी हुई पहले से। उधर तीन गाड़ी का रास्ता तिरपाल खुलने लगा, अब हमारा भी खुलेगा। यहाँ पर आएगी दूसरी गाड़ी, वो डाला में डाला सटा दिया जाता है और माल क्रॉसिंग हो जाता है, यहाँ पर यही होता है ज़्यादातर। तो देखते हैं गाड़ी आ जाएगी तो हमारा भी आज खाली हो जाएगा। ये सब गाड़ी का, वो देखिए वो गाड़ी का, दो गाड़ी का तिरपाल खुल गया है। ये भी भाई अपना गाड़ी सीधा करके लगा रहे हैं, गाड़ी सही नहीं है, परफेक्ट घुमा के लगाएंगे, हमको लगता है उधर मुँह रहेगा सामने की तरफ। तो दोस्तों हमारा खाना निकल रहा है, ये है चावल, तो ठीक है निकालते हैं, बस इतना ही चावल रहने दो, अब मछली को निकालो। हमारा फिश करी है बन के एकदम तैयार है जबरदस्त, अब निकालते हैं। और एकदम साइज का फिश है, मतलब जो खाने लायक साइज एक्चुअल में यही है। दो दो पीस करके लेंगे, दो पीस ही बहुत होगा, बंगला में तो एक पीस ही बहुत होता है। हमारा खाना निकल गया, अब हम खा रहे हैं, मछली का टेस्ट देखते हैं। मछली तो देखने से ही, मतलब खाना आपका बढ़िया बनेगा देखने से ही बढ़िया दिखेगा। मस्त बना है भाई, ऐसा बनता है फिश करी, ये हुआ ड्राइवर फिश करी। दोस्तों सब गाड़ी खाली हो रहा है, हमारा नंबर पीछे है, तो चलिए किस्मत का मारा है लग रहा है, देखिए खाली होता है कि क्या। गाड़ी ये सब तो खाली हो गया है, यहाँ पे तीन चार गाड़ी खाली हो गया है, दो गाड़ी लाइन में है, सबसे पीछे हमारा है, रस्सा तिरपाल भी नहीं खुला है। तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं पहले चाय पीने के लिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आज गाड़ी खाली नहीं होती है तो। दोस्तों शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो 6 गाड़ी में 3 गाड़ी खाली हो गया, हमारा 3 गाड़ी नहीं खाली होगा, दो गाड़ी इधर है और एक गाड़ी हमारे पीछे है, बाकी 3 गाड़ी खाली हो गया। इसका कारण क्या हुआ कि बॉर्डर में कोई एक्सीडेंट हो गया, जो गाड़ी आता है खाली गाड़ी माल क्रॉसिंग लेने के लिए, वो गाड़ी सब जाम में पड़ा हुआ है। सबको बोला था खाली करने के लिए, लेकिन 3 गाड़ी 4 गाड़ी का गाड़ी पहुंच गया और 3 गाड़ी का आने के लिए नहीं पहुंचा, इसके लिए गाड़ी खाली नहीं हुआ। तो अब कल खाली होगा, अब वो रात में गाड़ी सब आएगा तो कल क्रॉसिंग होगा। चलिए अब तो हम लोग का फंस गया, ये बोलते हैं ना नसीब ख़राब, तो नसीबे ख़राब है समझिए, सब 3-4 का गाड़ी आ गया, हम लोगों का नहीं आया है। तो चलिए वो भी आपका भी नहीं आया, वो भी दादा का नहीं आया, तो अब सबका 3 गाड़ी कल खाली होगा। तो चलते हैं बाहर में चाय पीते हैं, अब आज भी यहाँ पर खाना वाना खा के सोना ही पड़ेगा। दोस्तों रात के 7:30 बज रहे हैं, आपको मालूम है हमारी गाड़ी खाली नहीं हुई, तो अब खाली नहीं हुई तो अब कल होगी, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग खाना निकाल रहे हैं, बहुत यहाँ ठंड लग रहा है, तो खाना निकाल के खा लेते हैं जल्दी से, अब सोते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आज तो थोड़ा धूप भी निकला था, कल और भी ज़्यादा था। तो चलते हैं अब खाना निकालते हैं, निकालो भाई सब्जी। तो हमारा दिन का मछली था, मछली हम लोग लाए थे ज़्यादा, तो मछली बचा है दिन का, और रोटी बनवा के लाए हैं खरीद के होटल से। तो पहले मछली निकाल लेते हैं फिर रोटी खाएंगे, चावल निकाल दो इसमें, अभी चावल निकाल लेते हैं, चावल भी है हमारा वहाँ, बस अब चावल रहने देते हैं, अब रोटी लेंगे, रोटी भी है, अब लेके खाते हैं। हमारा खाना निकल गया, चावल है, मछली है, रोटी है, उधर छोटू प्याज काट रहा है, तो निकाल के खाते हैं और चलते हैं। बहुत ठंड लग रही है, खाना खा के आराम करेंगे। 8 बज गए, हम लोग अब चलते हैं आराम करने के लिए, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ठंड अब है तो चलते हैं आराम करते हैं। जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए, और चलते हैं अब सोने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।